हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़की ऐसी हरकतें करने लगेगी जब उसे आपसे प्यार हो जाएगा। तो अगर आप एक लड़की में इंटरेस्टेड हो तो उसकी ये हरकतें, मतलब कि उसकी हरकतों को देखकर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो आप कैसे समझ सकते हो कि उसकी इस तरह की हरकतें कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो से टॉपिक में वीडियो को अंत देखो, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली हरकत है कि खास तौर पे आपके सामने अगर वो भीड़ से अलग लगने की कोशिश करें, जैसे कि मान लो कि वो अपनी सहेलियों के साथ बैठी है, ग्रुप में बैठी है, तो अगर वो आपको पसंद करते हैं ना, तो वो कुछ ऐसी हरकतें करेगी, ठीक है, जो हरकतें उसकी सहेलियों से मैच नहीं करेगी। अगर आप उसने आपको देख लिया है तो वो कहीं ना कहीं जोर से बात करने लगेगी या आपको देखते हुए थोड़ा सा हंसेगी। जिस तरह से नॉर्मल लड़कियां बैठी हैं और सारी जो उसकी ग्रुप में लड़कियां हैं वो नॉर्मल तरीके से बैठी हैं, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं थोड़ी अलग होंगी। ठीक है, आप उसको नोटिस कर रहे हो तो कभी वो बालों से खेल रही है, कभी वो कपड़े ठीक कर रही है, कभी बार बार इधर उधर, मतलब मूवमेंट होती रहेगी, कभी हाथों की मूवमेंट, हाथों की हरकतें होंगी। ठीक है, वो मतलब एक जगह टिक कर नहीं बैठेगी। इस तरह की हरकत अगर लड़की कर रही है खास तौर पे आपके सामने और लड़कियों से वो अलग दिखने के लिए, तो इससे आप पता कर सकते हो कि कहीं ना कहीं वो आप में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा दूसरी हरकत है कि अगर आपकी और उसकी बातचीत होती है, तो मान लो कि आप दोनों की बातचीत खत्म हो गई है, उसने आपको बाय बोल दिया है, और बाय कहने के बाद भी उसके बिहेवियर से, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो भी जाना नहीं चाहती है। ठीक है, मतलब वो बाय कह दिया उसके बाद भी बात कर रही है। ये चीज़ चाहे फ़ोन के थ्रू हो, देखो फ़ोन पे भी कई बार क्या होता है कि हम अगर किसी को पसंद करते हैं तो बाय कहने के बाद भी नया टॉपिक छेड़ देते हैं कि चलो इसी बहाने वो इंसान थोड़ी देर बात करता रहेगा। तो ये चीज़ अगर लड़की करने लगे, ठीक है, इस तरह की हरकत की बाय कहने के बाद भी उसका मन ही ना करे कि आपसे बातें ख़त्म हो या फिर वो छोड़ कर जाए, ठीक है, और बाय कहने के बाद थोड़ी देर वो रुके, आपको मुड़ कर देखे, तो इससे आप पता कर सकते हो कि कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए प्यार है। इसके अलावा तीसरी हरकत ये भी होती है कि जब लड़कियाँ किसी के लिए कुछ ना कुछ महसूस करने लगती हैं, ठीक है, और उस महसूस जो वो फील कर रही हैं उसको जताने के लिए वो बार बार ऐसी हरकतें करेंगे, जैसे कि आपकी साइड लेने लगेंगे, आपकी केयर करना शुरू कर देंगे, ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा पोसेसिव हो जाएंगे कि आप किसी और लड़की से बात ना करो, ठीक है, किसी और लड़की के साथ देखकर थोड़ा सा वो जलेंगी, आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपके लिए थोड़ा सा पैम्परिंग आपकी करने लगेंगी, और ये नेचुरली होगी क्योंकि लड़कियाँ थोड़ी सी केयरिंग तो होती हैं, लेकिन वो जब प्यार में होती है तो उस टाइम पर उनकी केयर उस इंसान या उस लड़के के लिए बढ़ जाती है। ठीक है, तो इससे भी आप पता कर सकते हो कि लड़की कहीं ना कहीं आपको पसंद करने लगी है। इसके अलावा अगली हरकत ये भी होती है कि जब लड़कियां किसी लड़के के लिए कुछ ना कुछ महसूस करने लगती हैं, तो जब वो लड़का उसके सामने आता है ना, तो वो स्माइल तो देते ही हैं, ठीक है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट तो होती है, लेकिन मुस्कुराहट के साथ साथ वो अपने बालों को भी ठीक करती हैं, ठीक है, अपने चेहरे को थोड़ा सा अलग लुक देने के लिए बालों को ठीक करने लगेगी, आपको अलग तरीके की स्माइल देंगी, और ये जो मुस्कुराहट होगी ना वो नॉर्मल नहीं होगी, थोड़ी सी अलग होगी, कि उसको आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश है आपको देखकर। ठीक है, जो प्यार वाली जो खुशी है, स्माइल है, वो अलग तरह की होगी। ठीक है, वो कभी कभी आपसे डायरेक्ट नज़रें नहीं मिलाएगी, चोरी छुपे देखेगी पलकों को, नीचे करते हुए छुप छुप कर देखेगी। तो इस तरह की हरकतें आपको जब लड़की दिखाने लगे या आपको लड़की में लगे कि हाँ वो ऐसी हरकत करने लगी है, तो मतलब कि वो आपको पसंद करने लगी है। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।